Hello friend, my name is Aryan Vishokarma, and I am deep pharma student. I am studying with Book with Teacher app and books. Now I am going to explain my interesting topic, topical preparation. Uh, medication that applied to a particular place or in the body, most often the topical administration means application to the body surface, such as skin or mucous membrane. To treat element via a large range of classes, including cream, paste, gel, oilment, liliment, ointment. Now I will explain one by one all. First, paste. Paste are a semi-solid preparation, it is generally very thick and stiff. It is mainly used for antiseptic or dressing purpose. And bases are used in this hydrocarbon bases, miscible bases, and water-soluble bases. First, hydrocarbon bases. Uh, the substance are immiscible oily, oily and fat substances are dissolved in this and in water miscible substances we use uh, as a glycerin because it is not uh, miscible in anything water soluble basis water soluble basis we uh, usually dissolve in a polyethylene glycol and the method of uh, to prepare paste first is trituration and second is fusion first trituration इसमें हम एक बिकर में नॉर्मल मेडिकामेंट एंड नॉन मेडिकामेंट लेते हैं और सॉल्वेंट जो रहते हैं उसको एज अ बेस यूज करते हैं और जो सोल्यूट रहता है उसको धीरे धीरे मेडिकामेंट को उसमें डालते हैं प्योर करते हैं और स्टर करते रहते हैं जब तक एक होमोजीनियस मिक्सचर ना फॉर्म हो जाए और इन्फ्यूज़न मेथड हम मेडिकामेंट और नॉन मेडिकामेंट को एक साथ मेल्ट कर देते हैं एट अ सर्टन डिग्री और उसके बाद जब ये मेल्ट हो जाता है तब दोनों को जब तक कूल cool डाउन ना हो जाए तब तक हम उसको उस होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होने तक स्टर करते रहते हैं एंड सेकेंड इज लोशन लोशन आर लिक्विड सस्पेंशन और डिस्पर्शन। इट में बी एम्प्लॉयड फॉर द लोकल कूलिंग स्मूथनिंग प्रोटेक्टिंग एंड मॉइस्चराइजिंग परपज इट यूजली अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन देर आर टू टाइप्स ऑफ लोशन जैसे कि पहला लोशन होता है जो हम अपने बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए स्मूथनिंग करने के लिए और चीकला यूज़ करते हैं और सेकंड होता है जो एक ब्रोकन स्किन पे हम यूज़ करते हैं जैसे हमें कहीं लग जाता है तो सबसे पहले आ, उसे एक कॉटन में आ, शोक करते हैं उसके बाद उस जगह पर रब करते हैं तो माइक्रो माइक्रगिजम रहते हैं वो किल हो जाते हैं और फिर हम अपने ऑइनमेंट या फिर जो ऊपर ट्रीटमेंट करना वो कर सकते हैं जेल जेल आर ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसफ्यूजन नॉन ग्रेसली सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इट इज़ यूज टू अचीव ऑप्टीमल कॉलक्यूजन पर्सम ड्रा ड्रग डिलीवरी और इसमें तीन टाइप के जेल्स होते हैं फर्स्ट इज मेडिकेटेड लुब्रिकेटिंग एंड मिसेलियस मेडिकेटेड जिसमें कि uh, सारे दवाइयाँ जो मेडिकामेंट रहते हैं वो रहते हैं और लुब्रिकेटिंग में जैसे हम किसी भी सर्जरी में यूज़ करते हैं जैसे ग्लव्स हो गया तो अगर हम ग्लव्स को डायरेक्ट किसी पेशेंट के कांटेक्ट में लाएंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है इसीलिए हम लोग लुब्रिकेटिंग जेल यूज़, यूज़ करते हैं और स्पेशली एक बेस्ट एग्जांपल है जैसे हार्ट के लिए एक इंजोग्राफिक टेस्ट होता है तो उसमें कैथेराड को इससे पहले रब किया जाता है कि वो एक स्मूथ हो जाए और उसके बाद उसे पेशेंट के वेंस में इंसर्ट किया जाता है मिसरियंस ये एक इसके भी दो सब टाइप है एक है पैच और एक है इलेक्ट्रॉन तो पैच जो होता है उसमें जैसे बॉडी पे पैच है वो सेंसिटिव डिटरमाइन uh, करने के लिए यूज़ करते हैं और सेकंड uh, जो होता है इलेक्ट्रोलाइट वो स्पेशली हम एक ईसीजी के लिए यूज़ करते हैं कि बॉडी में जो 100 परसेंट कंट है वो ना जाए और बॉडी को कुछ इफेक्ट ना हो सेकेंड इज लिलीमेंट लिलीमेंट आर सॉल्यूशन और सस्पेंशन और इमल्सन अप्लाइड फॉर एक्सटर्नल यूज दे जनरली अप्लाइड अ मसाज एंड दे डो नॉट अप्लाई ऑन ब्रोकन स्किन लिलीमेंट जो होता है उसे जैसे ज़्यादा करके जिडियटिक पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं कि उन्हें जैसे अगर नीचे नी में पेन है तो उस पर ऐसे लिलीमेंट यूज़ करते हैं जैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर औरत तो ऐसे हम पेशेंट के पैर पे लगा कर रब करते थोड़ी देर तक एक टाइप ऑफ मसाज और इसका ब्रोकन स्किन पे नहीं लगाते नहीं तो फिर कुछ अलग रिएक्शन हो के ये ऐसा कुछ अलग फॉर्म करते हैं और दो टाइप के इसमें व्हीकल यूज़ करते हैं जैसे जो लिलिमेंट के कुछ मेडिकामेंट होते हैं जो एक ऑयल में सोल्यूबल होते हैं और कुछ होता है जो अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं तो हम दोनों यूज़ कर लेते हैं क्रीम आर डिफाइंड एज ए होमोजीनियस विस्कस लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इट इज़ मोस्टली यूज फॉर कॉस्मेटिक परपज़ इसको हम लोग नॉर्मली कॉस्मेटिक के लिए जैसे सनस्क्रीनस वगैरह हो गए इसे हम नॉर्मली कॉस्मेटिक के लिए यूज करते हैं और इसके लगभग चार टाइप होते हैं ऑयली क्रीम एक्वास क्रीम कॉस्मेटिक क्रीम मेडिकेटेड क्रीम ऑयली क्रीम होते हैं जो एक फैट से बनते हैं तो ये वाटर में डिसोल्वल्यूबल नहीं होते और इसे जनरली हम लोग बॉडी के म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई करते हैं और जो एक्वास होते हैं ये पेनिट्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं और जो कॉस्मेटिक है इस पर इसे जनरलीडी से यूज़ करती है जैसे कि सनस्क्रीन वगैरह लोशन वगैरह जो बॉडी के ऊपर ये भी अप्लाई होता है और मेडिकेटेड जो मेडिकेटेड एक ऑइनमेंट की तरह ही होते हैं ये सब और लास्ट है ऑइनमेंट अ सबस्टेंट यूज फॉर स्किन टू हील वाउंड्स बर्न रैशेज क्रैप्स और अदर स्किन प्रॉब्लम्स जैसे अगर हमें कहीं भी गिरने पड़ते हैं छोटी सी चोट वोट लग जाती है तो स्पेशली हम ऑइनमेंट यूज़ करते हैं और इसके तीन टाइप होते हैं डर्मेटोलॉजिकल अपथेलमिक एंड रेक्टल डर्मेटोलॉजिकल हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं और अपथेलमिक होता है हम स्पेशल आइज़ में अप्लाई करते हैं और रेक्टल जो होता है उसे हम रेक्टम में अप्लाई करते हैं और इसके लिए तीन बेसिस हम यूज़ करते हैं जो मेडिकामेंट होता है वो किसी में भी डिसॉल्व हो सकता है इसीलिए एक होता है ओलीजेनियस एब्जॉर्पन एंड इमल्शन ओलीजेनियस होता है ये जो होता है हाइड्रोफोबिक फैट्स वो इसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं नॉर्मल वाटर्स में तो हम इसे सॉफ्ट पैराफिन लिक्विड पैराफिन एंड हार्ड पैराफिन में डिसॉल्व करते हैं और जो एबजॉर्प्शन होते हैं इसे हम स्पेशली ये वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं क्योंकि इसका जो लार्ज नंबर ऑफ होता है जो आम वाटर को एब्जॉर्व कर सकता है तो स्पेशली इस हम इसमें ग्लिसरीन यूज़ करते हैं और इमल्शन में हम नॉर्मली पॉली इथिलीन ग्लाइकॉल यूज़ करते हैं क्योंकि ये उसमें बहुत अच्छे से डिसोल्व हो जाता है आ, मत, बहुत कम मात्रा तक पार्शियल डिसोल्व होता है और इसके इसको प्रिपेयर करने के लिए तीन मैथड्स होते हैं फ्यूजन ट्राइचूरेशन केमिकल रिएक्शन मैथड फ्यूजन में जैसे मैंने एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया था कि मेडिकामेंट को और नॉन मेडिकामेंट को एक सर्टन टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है और उसके बाद फिर दोनों को स्टर किया जाता है जब तक कूल डाउन होकर एक मिक्सचर ना फॉर्म हो जाए और इंट्राइचूरेशन मेथड में हम मेडिकामेंट को एक सर्टन टेम्परेचर पर मेल्ट करते हैं और उसके बाद जो नॉर्मल सोल्यूट होता है एज बेस उसमें हम धीरे धीरे प्योर करते करते उसको स्टर करते जाते हैं जब तक है कि होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म ना हो जाए और थर्ड है केमिकल रिएक्शन मेथड इसे हम स्पेशली आयोडीन के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि आयोडीन आ, किसी भी में जल्दी डिजॉल्व होता ही नहीं है तो हम उसे यूज़ करते कि आ, 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 आयोडीन को कैल्शियम पोट पोटेशियम uh, सल्फेट uh, के साथ डिसोल्व करते हैं और उसके बाद उसे अगर हम डिसोल्व करेंगे ग्लिसरीन में तो इजीली डिसोल्व हो जाता है सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक टूडेज टॉपिक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग